गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमन, योर इंग्लिश टीचर. टूडे वी विल लर्न अबाउट नेगेटिव स्टेटमेंट्स. लेट स्टार्ट. एज यू हैव सीन बिफोर, इन अ नेगेटिव स्टेटमेंट नोट कम्स आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब, मीन्स हेल्पिंग वर्ब. नोट का यूज कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद. एग्जाम्पल से समझेंगे. आई एम नोट रीडिंग, आई एम प्लेइंग. मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ. ही हैजंट रिटर्न माई अम्ब्रेला. हैजंट को जो है यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में राइट किया हुआ है. हैज नोट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हैजंट. हैजंट रिटर्न माई अम्ब्रेला. तो मैंने अभी अभी यहाँ बोला एम नोट, यहाँ हैजंट बोला है. तो यहाँ एम जो है और यहाँ हैज, ये दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब. और नोट का यूज इनके बाद हुआ है. नेक्स्ट, वी कैन नॉट से एम नॉट. हम एम नॉट नहीं बोल सकते. द शॉर्ट फॉर्म एन अपोस्ट्रोफी टी कैन नॉट बी यूज विद एम. एम के साथ हम नॉट की शॉर्ट फॉर्म को यूज नहीं कर सकते. वी से आई एम नॉट. हमें नॉट को शॉर्ट फॉर्म में यूज नहीं करना. हम जो है आई एम को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, आई अपोस्ट्रोफी एम. नेक्स्ट, इफ देयर इज मोर देन वन ऑक्सिलरी वर्ब वी पुट नॉट आफ्टर द फर्स्ट वन. यदि सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो आपको फर्स्ट जो है हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट का यूज करना है. एग्जाम्पल से समझेंगे. दे मे नोट हैव गोन टू द स्टेशन. तो यहाँ पर मे और हैव दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुए हैं, लेकिन नोट कहाँ यूज करना है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ. इन द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंसेज वी यूज डू डज डिड. आपने ध्यान से सुनना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है? डू डज, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं. और सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? डिड, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं. तो आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस जब बनाना है तो क्या रूल अप्लाई करेंगे सिंपल प्रेजेंट में? सबसे पहले ध्यान से देखेंगे. ही सेल्स ब्रेड, ये सिंपल प्रेजेंट का जो है सेंटेंस है. और इसकी पहचान कैसे करेंगे? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा, या फर्स्ट फॉर्म अकेले होगी. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ हो सकती है और नहीं भी. ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस और ईएस नहीं होगा. देन यूज होगा ऑब्जेक्ट. अब पहचान तो आपने कर ली सिंपल प्रेजेंट टेंस की. अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल आप देखेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने डू डज में से एक चीज को यूज करना है. सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आपने यूज करना है डज. देन यूज करेंगे नॉट. और यहां डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा डजेंट. डजेंट नेक्स्ट है फर्स्ट फॉर्म विदाउट एसईएस यूज करनी है. जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस राइट करेंगे तो आपको वर्ब की फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज नहीं करना. देन यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, जो कि है ब्रेड. ही डजेंट सेल ब्रेड. नेक्स्ट, दे सेल ब्रेड. अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपने अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट डू का यूज करना है, और नेगेटिव है तो नोट लगाना है. डू नोट को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है डोंट. दे डोंट सेल ब्रेड. ऐसे और ईएस का वर्ब के साथ यूज नहीं करना. नेक्स्ट, ही सोल्ड द ब्रेड. सोल्ड जो है सेल की सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म का यूज कौन से टेंस में होता है? पास्ट टेंस में. तो पास्ट टेंस का नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे. सब्जेक्ट है ही. देन यूज करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब डिड, और उसके साथ यूज करेंगे नोट. और ये डिड नोट की शॉर्ट फॉर्म है डिडंट. ही डिडंट सेल द ब्रेड. ध्यान से देखिए, यहाँ सेकेंड फॉर्म है, लेकिन जब आपने इसे नेगेटिव में यूज किया तो यहाँ कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म. इस चीज का आपने पूरा ध्यान रखना है. नेक्स्ट, नोट द नेगेटिव फॉर्म ऑफ हैव गोट एंड हैड. आपने नेगेटिव फॉर्म जब हैव गोट या हैज गोट आएगा या हैड, तो उसमें नेगेटिव फॉर्म कैसे आप लेंगे? एग्जाम्पल से देखेंगे. ही हैज अ स्कूटर. नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे आप इस सेंटेंस को? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे सब्जेक्ट. ही सब्जेक्ट है. देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप राइट करेंगे डू या डज. सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो आपने राइट किया डज. देन नोट का यूज करेंगे. और यदि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आप राइट करते डू.
ही के अकॉर्डिंग हमने राइट किया डज, ही डज नोट, डज नोट को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में राइट किया हुआ है डजेंट, देन यूज करेंगे हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूटर, ही डजेंट हैव अ स्कूटर, नेक्स्ट ही हैज गोट अ स्कूटर। सेंटेंस में यदि हैज के साथ गोट है तो नेगेटिव में उसका रूल चेंज होगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करना है सब्जेक्ट ही, नेक्स्ट राइट करेंगे हेल्पिंग वर्ब है हैज और यूज करेंगे उसके बाद नोट का। यहाँ आप डू और डज का यूज नहीं करेंगे, आप हैज या हैव का जो भी यूज होगा सब्जेक्ट के बाद उसके साथ यूज करेंगे नोट का। यहाँ ही है, ही हैजंट गोट अ स्कूटर। नेक्स्ट दे हैव गोट अ कार, हैज गोट से आपने यहाँ समझा, अब हैव गोट से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट किया सब्जेक्ट दे के अकॉर्डिंग क्या राइट किया हैव, और अब यूज करेंगे नोट का। हैव नोट को शॉर्ट फॉर्म में राइट किया गया है दे हैवंट, उसके बाद गोट अ कार। नेक्स्ट दे हैड अ कार, दे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है और ये हैड जो है हैव का पास्ट फॉर्म है, तो हमें क्या यूज करना है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड, नेगेटिव है तो डिड के साथ यूज करेंगे नोट। डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में राइट किया है डिडंट, दे डिडंट। नेक्स्ट हैव राइट करेंगे आप, जब भी आप प्लूरल के अंदर इनकी चेंजेस करेंगे हैज हैव की हैड की, तो आपने प्लूरल में ओनली हैव ही लिखना है। दे डिडंट हैव अ कार। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इन दिस एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।